बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। 12वीं सूची है बीजेपी की ओर से जारी करी गई है। बंगाल में अभिषेक बैनर्जी के सामने अभिजीत दास को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। डायमंड हार्बर सीट से ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी चुनाव लड़ रहे हैं और अब उनके सामने बीजेपी के अभिजीत दास चुनावी मैदान में होंगे, तो दिलचस्प ये लड़ाई भी अब नेहा दिख रही है। टीएमसी के अभिषेक से बीजेपी के अभिजीत का मुकाबला यहां पर सीधे तौर पर टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। बीजेपी के अभिजीत दास यूपी के देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। अमर मणि त्रिपाठी के बेटे हैं ये, जो अभी जेल में सजा काट रहे हैं। हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बहुत दिलचस्प अभी लड़ाई, अभिजीत दास को टिकट दिया है डायमंड हार्बर से, और कौन कौन सी सीट जिन पर दिलचस्प मुकाबला दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिन लोगों को टिकट दिया गया है वो बहुत ही अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। देवरिया सीट से रमापति राम त्रिपाठी है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में सांसद थे, उनकी टिकट काट दी गई है। उनकी जगह जो है पार्टी की तरफ से प्रकाश मणि त्रिपाठी, उनके बेटे को टिकट दी गई है, शशांक मणि त्रिपाठी को, और दूसरी जगह फिरोजाबाद में विश्वदीप सिंह को टिकट दिया गया है। होशियारपुर से अनीता सोम प्रकाश है, जो केंद्र सरकार में मंत्री है, सोम प्रकाश उनकी पत्नी है, उनको दी गई है। भटिंडा सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है, अकाली दल का यहाँ वर्चस्व रहा है। यहाँ से वर्तमान में जो सांसद है वो हरसिमरत कौर बादल है, जो अकाली दल में प्रकाश सिंह बादल की पत्नी भी है, केंद्र सरकार में मंत्री रही थी उनके। वहां से जो है परमपाल कौर सिद्धू, जो आईएएस ऑफिसर है, पिछले ही हफ्ते उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उनको दी गई है। खंडूर साहिब से जो है मनजीत सिंह माना, इनको टिकट दी गई है। सतारा से छत्रपति उदय राज भोसले, इनको टिकट दी गई है। ये जो है वो एनसीपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उपचुनाव लड़े, वहां पर हारे थे। तब शरद पवार ने कहा था कि इनको कम से कम 1 लाख वोटों से हरा के भेजूंगा। उपचुनाव में इनकी बड़ी हार हुई थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें राज्यसभा में भेज दिया था। डायमंड हार्बर से अभिजीत दास को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि यहाँ से अभिषेक बैनर्जी जो है वो चुनाव लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सोच समझ कर जो है उम्मीदवारों का चयन कर रही है। एक एक सीट को जातीय समीकरणों के आधार पर ध्यान देकर, वहां के जो माहौल है, वहां अगर पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है तो भी पार्टी जो है बाहर से जो लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी में उनको उम्मीदवार बना रही है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो देवरिया सीट पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वहां सलभ मणि त्रिपाठी हो सकते थे, या फिर जो है पार्टी की तरफ से रमापति राम त्रिपाठी को ही रिपीट करने की बात थी, लेकिन शशांक मणि त्रिपाठी को दिया जाए। इनके जो पिता है वो भी भारतीय जनता पार्टी से 2 बार सांसद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी एक तरीके से देखा जाए तो उसमें परिवारवाद में है। ठीक है, कहीं बेटे को टिकट दिया जा रहा है, कहीं काटा भी जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।